नमस्कार, मैं पाखी शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। एक तरफ देश में जहां नवरात्रि की धूम है, हर जगह माता रानी के भक्त माता की भक्ति में लीन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के मटियारी क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का मंचन किया जा रहा है। नंबर दो ध्यान और नंबर तीन भजन, ये तीन चीजें अगर शरीर में हो रही तो मान लो कि शरीर का नट बोल्ट कहीं से ढीला नहीं, आयलिंग ग्रीसिंग फिटिंग कल्चर सब अच्छा है। और तीन चीजों में जब मन ना लगे तो किसी से पूछो ना, अपने आप स्वीकार कर लो कि जिस कारण हमने शरीर पाया ये सब हमने उसको खाम खान पाया। ये जो कथा हम आप सुनने जा रहे हैं भगत जी, मैं थोड़ा सा प्रेमी अपने सब भक्तों का ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा कि जिस जगह पर जिस वजह से आप बैठे हो इसको हमारे भारत के संतों ने करीब कई लाख वर्ष पहले इस कलयुग के विषय में चर्चा उन लोगों ने जिक्र किया था, फिक्र किया था कि यहां जन्म लेने वाला मनुष्य पहली बात उसकी अल्प आयु होगी। हमारी आपकी क्या अल्प आयु, बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं, पहले की तरह हमारी आपकी आयु ही नहीं। हाँ, ये कह सकता कोई कि हमारी आयु है। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन और श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत की इस कथा का आयोजन बालाजीपुरम निकट गहमर कुंज मटियारी लखनऊ में प्रताप नारायण यादव और हिमांशु यादव द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। वही स्वामी रामकरण यादव के मुखार बिंदु से कथा का मंचन किया जा रहा है। भागवत में कहा गया है कि बहुत से शास्त्र सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। भोग और मुक्ति के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। हजारों अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ इस कथा का अंश मात्र भी नहीं है। मटियारी स्थित बालाजीपुरम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया है और इस कथा की समाप्ति 6 अक्टूबर को की जाएगी। अरे पब्लिक को जो कथा आप सुना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पब्लिक इससे मतलब कुछ समझती है या कुछ जानना चाहती है? ऐसे तो पब्लिक सुनती भी है और भूल भी जाती है, मानव का यह स्वभाव है। हमने सुना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब स्वभाव है, किसी बर्तन को हमने शाम को मान दिया, साफ कर दिया, निश्चित है जल अग्नि वायु
आकाश पृथ्वी पांच तत्व हैं, शाम को हमने मांग दिया है तो सवेरे कलर तो बदल जाएगा। अगर उसमें हमने भोजन किया तो सुबह उसको मांगना ही पड़ेगा। हम रोज रोज सत्संग में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी इंद्रियां, नहीं एक आध सप्ताह हम एक महीने में आए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे कुछ ऐसे घर में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ ऐसी गृह सामग्रियाँ होती हैं। हम किसान हैं तो छः महीने में अपनी बखारी खाली करते हैं, अपने खेत खाली करते हैं, अपने आंगन को बहारते हैं, अपने उसी प्रकार शरीर है, खेती है। और हम लोग तो सबको समझाया करते हैं कि बिन भजन के अरे मूर्ख प्राणी, काबिले जिंदगानी नहीं है, कैसे होगी सफल तेरी खेती की जबकि कोई किसानी नहीं है। ये किसानी है, भक्ति की किसानी है, उस निरंजन निराकार भगवान की किसानी है। हम सब मुसाफिर हैं, कुछ करने आए हैं। अब कोई करता है, कोई काम करवा लेता है, करते करते कोई फिर भी गार्डिंग करके करवा लेता है। आप देखते होंगे कोई कोई आदमी काम बहुत करता है लेकिन 20 आदमियों को दौड़ दौड़ कर काम भी बताता है, तो उसके पास इतना। अब यही है कि हम भजन भी करते हैं, लोगों से कहते हैं ऐसा भजन करो, आयु हमारी कम है, आय हमारी भले ज़्यादा है, हम जल्दी जल्दी अपना 60 साल में, 65 साल में, 55 साल में अच्छे अच्छे काम कर लें, सुवरण कर लें, ध्यान कर लें, भजन कर लें, यही सब काम में आवेगा। यही हमारे संत महर्षि कह के गए हैं और हम आप भी उस बात को जब तक कह रहे हैं नहीं, हम सब काल के चबेना हैं, आराम से इस दुनिया में हम आपको बारी बारी काल खाता रहेगा और हम लोग आते जाते रहेंगे, इसका कोई टेंशन भी नहीं है। जन्म लेने का तो एहसान मानना चाहिए, मरने का कोई डर नहीं होना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ये मेरा मान। जनता को हम बताना चाहेंगे कि आपका नाम रामकरण यादव जी है। बाबा जी, हम आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहते हैं, अंतिम सवाल पूछना चाहते हैं कि राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत गीता आप सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, इन तीनों कथाओं में अंतर क्या है, इसका सार क्या है? अंतर कोई नहीं। जैसे अलग अलग फूलों का आप रस इकट्ठा करोगे तो गुलाब का फूल लाओ जी, फिर कहीं से देखो चमेली का फूल लाओ, कहीं से फिर आप बहुत परिश्रम करोगे सूर्यमुखी का फूल लो, सरसों का फूल ढूंढोगे, सभी फूलों को तुम बड़ी मुसीबत से पाओगे। और सब फूलों के रस को निकाल करके अगर आपने कोई सा केमिकल बना भी लिया तो केवल उसी फूल का नाम कहा जाएगा। श्रीमद् भगवत कथा जैसे मधुमक्खी सभी फूलों के रस को लाती है उसमें से, ऐसे जहरीले फूल भी हैं उनके रस को ला करके एक जगह छत्ता लगा देती, उसमें से शहद निकलता है। शहद निश्चित रूप से किसी जात कौम धर्म का नहीं होता है, शहद को कोई भी चाटेगा। अगर शहद किसी की जीभ पर रख दिया जाए और उसको सख्त मना कर दिया जाए कि आपकी जीभ पर शहद रखा है, आप कतई चाट नहीं सकते हो, भले आप लाख कहो, लेकिन जिसकी जीभ पर शहद रखा है वो आराम से रस लेता रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो आदमी आनंदित है संसार में आनंद से रहेगा। और भगवत कथा तो रस है, ये तो सभी वेद शास्त्रों का रस है, सभी भगवान के अवतारों का रस है। हमारी समझ में तो हमने तो 22 वर्ष से जो तमाम अमीर गरीब परिवारों को देखा, करीब हजारों बुजुर्ग हमारी कथा सुने हुए इस दुनिया से चले गए, मैंने ये देखा कि मरते समय 10-20 मिनट पहले अपने परिवार वालों से बोले कि मुझको रामकरण बाबा से बात करवा दो, हमको उनसे बात करनी है, मैंने उनकी भागवत कथा सुनी, तो मुझे मालूम पड़ता कि कहीं ना कहीं मैंने कोई अच्छा काम भगवान की कृपा से अवश्य करा है, इसलिए लोग मुझे पूछते हैं, मुझे खुशी होती। लेकिन गम भी नहीं है भाई, मृत्यु लोक का शरीर है, शरीर ये काल का पिंजड़ा है, चला जाएगा। बाबा जी एक सवाल और करना चाहेंगे, हम जानना चाहते हैं कि बाबा जी ने ये शिक्षा आपने कहीं से ग्रहण की है या फिर आपके अंतरात्मा की शक्ति है या आपका एक अनुमान और आपका एक मतलब खुद का ये रिसर्च है, खुद की खोज है जो कथा आप सुनाते हैं, पढ़ने के अकॉर्डिंग, पढ़ने के अनुसार सुनाते हैं, या फिर आपने इसकी पढ़ाई कर रखी है? नहीं, पढ़ाई हमने नहीं करी, हम एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए, हमने जाके हरिद्वार में, वृंदावन में जी, कोई भी संत कहीं से आया तो हम लोग उस संत को गाली नहीं दिए जी, आज तक मैं किसी संत को मैंने गाली नहीं दी। और सभी संप्रदाय के, मैं तो यहाँ तक है कि हाजी मौली मुल्ला जहाँ पर तकरीर करते हैं,
हम वहाँ भी जाते हैं, जब वो कहते हैं कि ये शरीर अल्लाह की दरगाह है और अल्लाह की इबादत इसी शरीर से होगी, तो मुझे कोई नफरत नहीं आती कि मुसलमान है ऐसा कह रहे हैं, तो मेरे टेंशन नहीं आता, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ कि निश्चित रूप से ये अपने मजहब का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे लोगों को बता रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी भाई ऐसा थोड़ी कि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने कोई अलगाव नहीं किया। अब उन्होंने अपने मन के अंदर भाई ये तो हमारा मानना है कि सनातन धर्म पहले था, मोहम्मद साहब आए तो इस्लाम धर्म हुआ और जब गुरु गोविंद सिंह आए तो सिख धर्म हुआ और जब जैन धर्म शताब्दी के संत आए तब हुआ। तो ये तो हजार, दो हजार, चार हजार, दस हजार, बीस हजार वर्षों के अच्छे महापुरुषों की सोच से धर्म बने हैं, लेकिन मनुष्य एक सनातन धर्म का कल्प वृक्ष है। वो किसी भी संप्रदाय में जाए, किसी भी संत की गिरफ्त में चला जाए, लेकिन वो सनातन धर्म का कल्प वृक्ष है, उस पृथ्वी का वो श्रृंगार है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो। कबीर साहब ने साफ कर दिया 500 वर्ष पहले कि नदियाँ एक घाट बहुतेरे कहत कबीर समझ के फेरे। एक घाट पर निश्चित रूप से 2000 लोग नहाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, तो हजरतगंज में कभी जाम लग जाती तो ट्रैफिक बड़े बड़े अफसर कहने लगते हैं कुछ बाईपास से लोगों को करा दो, कुछ लोगों को नीचे से करा दो। सरकार कहती कुछ लोग मेट्रो ट्रेन पर बैठ जाओ, कुछ कहती बस पर चले जाओ, कुछ से कहती तुम पैदल वाले इधर कट जाओ। भीड़ न होने पाए, मेरा मानना है कि चार धर्म इसलिए बन गए हैं, सब सब एक में मिल जाते हैं और यही हमारा अपना मानना। हम तो गाँव देहात में ज़्यादा कथा करते हैं, हमें गरीबों से लगाव रहता है, अमीरों से भी लगाव रहता है। अमीरों से कहा करते हैं कि तुम्हारा धन अगर किसी गरीब के कपड़े बनने में, किसी गरीब की बेटी में तुम्हारे 10,000 रुपये जा रहे हैं, उसकी बेटी का ब्याह है, तो तुम अपने पैसे को चूम कर दिया करो क्योंकि उसने खून और पसीना तुम्हारे घर में लगाया है। इसी पैसे से वो अपने बेटी के हाथ पीले करेगा, उसकी बेटी भी भले वो 25 पैसे का सिंदूर माँ बाजार से लेकर के लगाएगी, बहुत गरीबी में वो अपने ससुराल जाएगी। बेटी बेटी होती हो, चाहे किसी कौम धर्म की हो, चाहे जिस समाज की हो। अमीरी गरीबी तो एक खेल है, ये तो माया की छाया है। यहाँ ना तो मान्यता है, ना तो यहाँ कोई गरीब है, ना तो कोई अमीर है। शरीर पा गए हो यही बड़ी अच्छाई है। सबको अपने शरीर और स्वास्थ्य के विषय में अच्छी भाषा, विचार, सुमिरन, भजन, ध्यान, हमारा ये मन जरूर जाना चाहिए। मेरा नीलम यादव। नीलम जी, अभी आपके सानिध्य में जो कथा हो रही श्रीमद् भागवत कथा, अभी तो नवरात्र चल रहा है फिलहाल, आप इस कथा को कराने का उद्देश्य क्या है आपका? एक्चुअली बात ये है कि हम लोग कथा तो बहुत पहले से सोच के रखे थे बट तब नहीं हो पाई थी। अब ये हम लोग बाबू के मुंडन के उपलक्ष्य में और यहाँ कुछ लोग जो कह रहे थे करवाने के लिए, इसलिए हम घर के भी सदस्य थे, इसलिए अब हम लोग को मौका मिला तो इस उपलक्ष्य में हम लोग करवा लिए। अच्छा, इससे आपको क्या लाभ है? इससे हमें तो लाभ आई है और बहुत सारा लाभ, मेरे परिवार को भी बहुत सारा लाभ है। और हम लोग जो चाहते हैं कि आस पड़ोस में थोड़ी भक्ति का माहौल बने जी जी। और सब लोग का थोड़ा मन बहले, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोग ने बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आसपास में कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे कुछ भक्ति का माहौल हो, नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा करवाएं। इस वक्त के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। बाकी के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।